फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और आंसर्स का ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने ब्रेकर्स के बारे में डिस्कस किया था, जबकि पार्ट थ्री में हमने वीएफडी के बारे में डिस्कस किया है। इन दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम स्टार्टर्स और सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बिना टाइम जाया कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टर के मुतालिक अगर बात करें तो स्टार्टर में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यूअल स्टार्टर की पावर वायरिंग की डायग्राम बनाकर दिखाएं, या ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की डायग्राम बनाकर दिखाएं, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग की डायग्राम बनाकर दिखाएं, या आपको कहा जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की डायग्राम बनाकर दिखाएं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे ड्राइंग्स मैंने यहाँ पर बनाकर रखी हुई हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की भी है और स्टार डेल्टा की भी, और जब आप बनाकर दिखाते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं वन बाई वन सबकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वन बाई वन में सबकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं ड्यूअल स्टार्टर की पावर वायरिंग की एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये एक ब्रेकर लिया गया है, ये एक कॉन्टैक्टर लिया गया है, ये एक थर्मल ओवरलोड रिले भी यहां पे लिया गया है, और ये एक मोटर है। तो सबसे पहले आर वाई बी तीनों फेस आए ब्रेकर के अंदर, आर वाई बी तीनों फेस यहाँ से निकले और कॉन्टैक्टर के इनपुट पर आए, कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तीनों निकले थर्मल ओवरलोड रिले के इनपुट पर आए, थर्मल ओवरलोड रिले के आउटपुट से तीनों फेस निकलकर सीधे मोटर के अंदर चले गए, और ये इस तरह से ड्यूअल स्टार्टर की पावर वायरिंग कंप्लीट हुई। तो अब इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है इसको आप थोड़ा समझें। तो ये एक फेस आया, सबसे पहले थर्मल ओवरलोड रिले का ये जो पॉइंट है 95 है इसमें आया, और ये जो इसका 96 पॉइंट है यहाँ से फेस वापस निकला, और स्टॉप पुश बटन ये एनसी होता है यहाँ पे इसमें आया, यहाँ से होता हुआ स्टार्ट पुश बटन में आया, ये एनओ होता है, और यहाँ से फेस सीधा A1 में आया, और यहाँ पर एक होल्डिंग सर्किट भी लगाया गया इसी कॉन्टैक्टर का टर्मिनल पॉइंट नंबर 13 और 14 को यूज करके, और यहाँ से इसको A2 में न्यूट्रल दे दी गई, और इसका ये इस तरह से कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार डेल्टा की जो पावर वायरिंग की डायग्राम है इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक MCC भी लिया है, एक ओवरलोड रिले लिया है, तीन अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, एक मेन के तौर पे यूज़ हुआ, एक डेल्टा के तौर पे यूज़ हुआ, और जो तीसरा है ये स्टार के तौर पे यूज़ हुआ। इसके बाद में यहाँ पे एक मोटर है, मोटर के 6 टर्मिनल बने हुए हैं U1, V1, W1, W2, V2, U2। अब फ्रेंड्स, तीनों फेज जो RYB है MCCB के इनपुट पर आए, इसके आउटपुट से तीनों फेज निकले और ओवरलोड रिले के इनपुट पर आए, इसके आउटपुट से निकले और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इनपुट, जो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसके इनपुट पे आके कनेक्ट हुए, और वहाँ से ही लूप होके जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसके इनपुट पे कनेक्ट हुए, और मेन कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तीनों फेज निकले और मोटर के जो टर्मिनल U1, V1, W1 है वहाँ पर कनेक्ट हुए, और फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तीनों फेज निकले और स्टार कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर कनेक्ट हुए, और स्टार कॉन्टैक्टर के जो इनपुट है वहाँ पर तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया, और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का आउटपुट है वहाँ से तीनों फेज को दोबारा लेके W2, V2 और U2 पे कनेक्ट किया। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल की अगर बात की जाए तो देखिए, फेज सबसे पहले फ्यूज़ के अंदर आया, फ्यूज़ से ओवरलोड रिले के अंदर आया, वहाँ से स्टॉप पुश बटन के अंदर आया, वहाँ से स्टार्ट पुश बटन के अंदर आया, और वहाँ से सीधा आकर मेन कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे कनेक्ट हुआ, और मेन कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है 13 और 14 नंबर पॉइंट, वो यहाँ पर यूज़ किया गया है होल्डिंग सर्किट के लिए। अब स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से केबल ली गई है, सीधे टाइमर के A1 पे आके कनेक्ट की गई है, क्योंकि मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर को एक साथ में ऑन करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखें तो स्टार्ट के आउटपुट से एक और केबल ली गई है, और K3 जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करके, टाइमर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करके स्टार कॉन्टैक्टर का जो A1 पॉइंट है वहां पर आकर कनेक्ट हुई। ये K3 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स इसलिए यूज किया गया है, ये इंटरलॉकिंग की गई है, और ये टाइमर का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये आपने जो टाइम सेट किया हुआ है ये उस टाइम तक ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, और जो जो टाइम आपने सेट किया वो टाइम पूरा होगा तो नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और उसी टाइम में जब ये नॉर्मली ओपन होगा तो इसका ये वाला जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और आपका स्टार कॉन्टैक्टर रिलीज होकर डेल्टा कॉन्टैक्टर आपका एक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखें, एक केबल ली गई है और K2 यानी कि स्टार कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको यूज किया गया है, और टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करके इसके A1 पे सप्लाई आई है, और यहाँ से आप इसको न्यूट्रल अगर दे देते हैं
तो आपका फ्रेंड सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर एक्टिव होगा, उसके बाद में साथ ही आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और स्टार कॉन्टैक्टर का जो आपने टाइमिंग जो टाइमर में सेट की हुई है वो पूरा होने के बाद में स्टार रिलीज हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर एक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड सर्किट्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सर्किट्स हैं, लेकिन टू वे सर्किट, रिंग सर्किट और रेडियल सर्किट में से ज़्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं। टू वे सर्किट के बारे में पूछा जाता है कि टू वे सर्किट के डायग्राम बनाकर दिखाएं, या आपसे पूछा जाता है कि रिंग सर्किट क्या होता है, या आपसे पूछा जाएगा रेडियल सर्किट क्या होता है। तो फ्रेंड्स इन तीनों सर्किट्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद हैं, आप वहां पर जाकर इनके आंसर्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।